दीपिका मेरी सहयोगी शिमला में ही मौजूद हैं। दीपिका, अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 37 पर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दो ऊपर, बीजेपी 28 पर, दोनों पार्टियों में अब 9 सीटों का अंतर। तो कांग्रेसी खेमे में कुछ खुशी, या वो दरअसल दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है? और प्रदीप जिस ओर इशारा कर रहे थे, अभी उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि थोड़ा सा, अरे नंबर थोड़ा और बढ़ जाए तब सांस ले पाएंगे। सर, ये जो जादुई आंकड़ा है 35 का, इसी की लड़ाई है। रिवाज बदलना है, परंपरा को तोड़ना है, इसकी लड़ाई अभी भी बरकरार है। देखिए, हिमाचल का जो इतिहास रहा है 1998 में, उस समय 65 विधानसभा की सीटें थी और जीत के लिए चाहिए था 33 का आंकड़ा, 32 सीटें कांग्रेस की सरकार, उस समय राजा वीरभद्र सिंह थे और पहले निर्दलीय विधायक रमेश धवाला, उनको अपने पाले में लाकर ये सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली है। लेकिन देखिए, आज पहली बार इतने जो इतिहास रहा है हिमाचल का, जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, कभी खुशी कभी गुम, कभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ पर बीजेपी लगातार मेरी मौजूदगी जो है ओकओवर में है, यहाँ पर दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, कुछ लोग बुके लेकर आ रहे हैं और मिठाई के लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मिठाई के लिए ऑर्डर कौन दे रहा है, बीजेपी दे रही है, कांग्रेस या दोनों दे रहे हैं? ऑर्डर्स दिया जाए या फिर क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी वाले मिठाई के ऑर्डर्स देके आ रहे हैं, बुके लेकर आ रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता है उनका भी तांता लगा हुआ है। एक्चुअली मेरा नेटवर्क वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड में आकर आपको अपडेट दे रही हूँ। वहां पर जो है जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है लोकल कार्यकर्ताओं की, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। संदीप सब देखिए, कॉन्फिडेंट तो वो पहले दिन से ही है, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी वाले भी अभी बांट रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये 28 सीटें बहुमत के आंकड़े से 7 पीछे, कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 2 आगे। दिलचस्प खेल हो रहा है, यानी कि कोई गिव अप करने को तैयार नहीं है। दिस इज गोइंग टू गो डाउन टू द वायर जैसा। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक पोरबंदर से अर्जुन मोढ़वाड़िया पीछे चल रहे। अब ये कांग्रेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है कि शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढ़वाड़िया, 2-4 बड़े नेता है वहां, वो पीछे चल रहे हैं पोरबंदर से। और अभी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर शिमला में मौजूद है मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश। विशाल, क्या थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पर? मायूसी भरे ये माहौल जो आजकल चल रहे हैं कांग्रेस के, कुछ बांछे खिली या अभी दबी दबी मुस्कानी दिखाई दे रही है? 37 सीटें कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से ऊपर, बीजेपी 28। देखिए संदीप, जिस तरह से बीजेपी 28 है और कांग्रेस 37 है और अन्य 3 पे है, और वहीं पर मैं कुछ देर पहले ही कांग्रेस के ऑफिस में था जहां पर बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ था और कोई भी कार्यकर्ता, कुछ लीडरों को जो लोकल लीडर थे उनको छोड़ के वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि किस तरह का माहौल रहेगा तो क्या रहेगा, लेकिन उनका जो स्टैंड था वो काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि हम 40 से पार जाएंगे अब, क्योंकि ईवीएम खुली है तो ईवीएम के थ्रू ही हम 40 पार करेंगे, और वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई भी दे रहे थे। और उन्होंने कहा भी था कि धीरे धीरे देखिए आप होगा किस तरह से ये सारा मामला होगा, क्योंकि इससे पहले जो पोस्टल बैलेट थे वो खुले हुए थे और धीरे धीरे जब ईवीएम खुलने लगी तो कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई भी दे रही है। और यही कारण है कि इस समय मैं रिज मैदान में हूँ। बेशक आप इस समय लोगों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, लेकिन यहाँ पे रिज मैदान में जहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों को अनाउंसमेंट की जा रही है, फिलहाल आप लोगों का हजूम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो हजूम है, लोगों का बहुत लगा हुआ है। ये तो आम आदमी की बात हो गई। कांग्रेस के खेमे में अभी भी वो वैसा जश्न का माहौल नहीं है, जबकि यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से अब ऊपर आते हुए 37 सीटों पर कांग्रेस है, बीजेपी काफी पीछे है, 9 सीटों का अंतर भी है, पर जहां खुशखबरी भी आ रही है वहां उत्साह दिखाने में अभी थोड़ा गुरेज कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।